प्रशांत किशोर जोर शोर से अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जन स्वराज के राजनीतिक दल बनने की घोषणा करेंगे। इससे पहले पीके लगातार अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो अब तक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव जिताते आए हैं, क्या बिहार में अपनी राजनीतिक नैया पार लगा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति और प्रशांत किशोर के सियासी भविष्य पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और वरिष्ठ नेता पप्पू यादव ने क्या कहा है, सुनिए। कांग्रेस यदि अकेला चलने का निर्णय ले ली तो मैं आपको यह गारंटी के साथ कह सकता हूं सारी दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन उस दौर में आप कांग्रेस की अकेले चलने की बात कर रहे हैं, जिस दौर में कांग्रेस सबसे बड़ा पैरविकार पार्टी है गठबंधन की मजबूती को लेकर। देखिए, लोकसभा का राजनीति और विधानसभा की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लोग अपेक्षा रखते हैं एक नए विकल्प की, और उसमें कांग्रेस को बिना जाति धर्म की पार्टी देखते हैं। प्रशांत जी रिटायर उन लोगों को इकट्ठे किए हैं जिन लोगों ने पूरा लूटा है, डीएम एसपी सब लोगों, और उन लोगों को जितने बालू शराब माफिया बड़ा बड़ा माफिया है जिनको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, वो प्रशांत जी के साथ जाएंगे, चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से दो पार्टी के बीच में तीसरी पार्टी कोई भी यह कहेगी कि हम तो मुख्यमंत्री और पीएम बनाते हैं, पैसा मेरे पास है, एमएलए आपको हम बनाने को तैयार हैं, जब हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एमएलए आपको क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसे लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं जिनका कोई जगह नहीं है, तो वो प्रशांत जी के साथ जुड़ गए, और जिनको दोनों जगह टिकट नहीं मिलेगा तो प्रशांत जी के साथ जुड़ जाएंगे। भले ही पप्पू यादव प्रशांत किशोर की चुनौती को उतनी गंभीरता से ना ले रहे हों, लेकिन पीके की टीम में लगातार नामचीन लोग शामिल हो रहे हैं। बिहार में नया राजनीतिक विकल्प देने के लिए शुरू जन स्वराज अभियान से 3 बड़े नाम कल ही जुड़े हैं, जिनमें भारत रत्न और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा और आरजेडी के पूर्व विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी शामिल हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जन स्वराज को राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी किसी भी दल से गठबंधन करने का उनका कोई इरादा नहीं है। 2025 का चुनाव 243 सीटों पर लड़ेगा, 242 पर नहीं। और ये जो दल अभी 2 अक्टूबर 2024 को बनने जा रहा है, आप देखेंगे कि इस दल को कौन लोग बना रहे हैं। मैंने घोषणा की है कि मैं इस दल का नेता नहीं, तो आप देखेंगे कि किन लोगों को चुनकर हम ये दल बनवा रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या जानते हैं। जो मेरा आलोचक भी है वो कहता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए या ना आए, चुनाव लड़ाने की समझ इस व्यक्ति को है। तो जो काम मैं पहले करता था, काम तो मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, आपके नजर में फर्क है। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ अलग कर रहे हैं, हम अलग कुछ नहीं कर रहे। हम पहले नेताओं को दलों को सलाह देते थे कि किस तरह से संगठित हो, किस तरह से अभियान करो, कौन से प्रॉमिस करो, कैसे जनता से संपर्क करो, कैसे संगठन बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो कि चुनाव जीतोगे। इसमें तो आप हमारा लोहा मानते हैं। बिहार में अभी वो दल नहीं था, तो 2 अक्टूबर को वो दल बन जाएगा। और प्रशांत किशोर ने जो दूसरे दलों के लिए किया है वही काम अब जन स्वराज जो 2 अक्टूबर को दल बनेगा उसके लिए करेंगे। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीके अपने दम पर सरकार बनाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैदान में खेलना और बात है और मैदान के बाहर से बातें करना और बात। पीके की राजनीतिक रणनीतिक कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।